अब आप ठीक हैं? ओके ओके, हेलो हेलो हेलो, स्वागत स्वागत सभी का सेशन में, बहुत बहुत स्वागत है। ओके ऑलराइट, ठीक है। सो अभी तक हम लोग ने काफी चीजें देख ली हैं। थिंक विंड्स वगैरह हम लोग ने देख लिया था, हमने देख लिया था क्या क्या चीजें हैं। मॉइस्चर एंड प्रिसिपिटेशन, इट वेंट वेल लीना, इट वेंट वेल। जस्ट अ सेकेंड, आई एम कमिंग, जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, तो हम लोग ने आई थिंक स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी देख लिया था। बर्जेरॉन सिम्पसन लैंगमुइर थ्योरी अपनी हो गई थी, वो आप लोग को समझा दिया था। दिस वी हैव डन। अब हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ मिड लैटिट्यूड्स। इसमें हम लोग ने आई थिंक लास्ट में लिखा है वी नीड न्यू कॉन्सेप्ट, एयर मासेस, फ्रंट्स, टेम्परेट साइक्लोन्स। ठीक है, तो आज एयर मासेस पढ़ना अपने को, आज से हम लोग पढ़ेंगे एयर मासेस। ठीक, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ। एयर मासेस नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिएगा। एयर मासेस इसमें लिखिए, व्हाट आर एयर मासेस? दे आर मैसिव बॉडीज ऑफ एयर, मैसिव बॉडीज ऑफ एयर। दे आर थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर इन एक्सटेंट and up to the height of entire troposphere। मतलब ये massive होते हैं, massive, air masses are massive, थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया में। और हाइट की अगर बात करी जाए, मतलब ट्रोपोपॉज तक। एयर मासेस आर डिफरेंशिएटेड एंड आइडेंटिफाइड on the basis of
on the basis of comparable physical property for a particular height. इसका क्या मतलब है? Air masses are differentiated and identified on the basis of comparable physical property for a particular height. Physical property की बात, comparable physical property इसमें temperature हो सकता है, moisture हो सकता है, ठीक है? मतलब ये आप एक दूसरे से कैसे differentiate करोगे? किसी एयर मास का टेम्परेचर कुछ और हो सकता है, किसी एयर मास का मॉइस्चर कंटेंट कुछ और हो सकता है, ठीक है? यहाँ नोट करके लिखिए, अब आप आराम से समझ जाओगे क्या बात है. नोट करके लिखिए, एयर मासेस आर नॉट होमोजेनस, एयर मासेस आर नॉट होमोजेनस बट हैव comparable physical property for a particular height. तो air masses को जब हम लोग visualize करते हैं तो अपने को सोचना होगा, एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या कि मान लो ये कोई air mass है, ये मान लो कोई एक air mass है, यहाँ पे अगर हम horizontally यहाँ पे चलें तो यहाँ पे मान लो टेम्परेचर T1 है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर T1 होगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर T1 होगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर T1 होगा हॉरिजॉन्टली. लेकिन जब हम इसके थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे जाएंगे तो वहां पे हमें अलग टेम्परेचर देखने को मिलेगा. इट मीन्स अगर यहाँ ऊपर जाएंगे तो T2 यहाँ देखने को मिलेगा इस लेवल पे. सिमिलरली अगर कोई दूसरा एयर मास है, यहाँ पे कोई दूसरा एयर मास है, तो यहाँ पे उसका टेम्परेचर कुछ और हो सकता है, मान लो T3, फिर यहाँ पे T4, ठीक है? तो कहने का ये मतलब है हॉरिजॉन्टल में सेम प्रॉपर्टीज होंगी किसी भी एयर मास में, लेकिन जब आप सेम एयर मास में ऊपर नीचे जाओगे तो वहां पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, चाहे वो टेम्परेचर की हो, मॉइस्चर की हो, वो अलग हो सकती है. समझ में आ रहा है सबको ये स्टेटमेंट? आपको समझ में आया कंपेरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर अ पर्टिकुलर हाइट? ये चीज जानना थोड़ा आवश्यक है, ठीक है? मतलब विद इन एयर मासेस वेरिएशन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. विद इन एयर मासेस फिजिकल प्रॉपर्टी के वेरिएशन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. दीपा आप हो? तो यहां पे यही यार, यही यही वाली बात लिखिए जरा जो मैंने आप लोग को बताई. Within an air mass, the horizontal gradient of physical properties is weak. कहने का क्या मतलब है? अगर आप एक एयर मास की बात कर रहे हो और उसमें हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट जो होता है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल वेरिएशन जो होता है बहुत ही कम होता है, तो हम लोग इन जनरल क्या मान लेते हैं? हॉरिजॉन्टल वेरिएशन हम लोग मान लेते हैं कि ना के बराबर है. होता होगा, बिल्कुल होता होगा, लेकिन वही है कि हम लोग इसको ना के बराबर मानते हैं, मतलब कंपेरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी मान के चलते हैं हॉरिजॉन्टली. अच्छा, इनकी प्रॉपर्टी कैसे आती है, एयर मास की प्रॉपर्टी कैसे आती है? Air mass derive their property from the surface से आती है. अब surface जैसा temperature का होगा वैसा ये हो जाता है, ठीक है? Next point लिखे, there are locations where air masses develop best. कुछ regions हैं जहां पे air masses बहुत जबरदस्त develop होते हैं, उनको बोलते हैं source regions. Now what are the properties of a good source region?
ये आपका पूछा गया है ऑप्शनल में. अ गुड सोर्स रीजन विल हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. Will have a good source region will have following properties. क्या क्या है प्रॉपर्टी? तीन बातें. पहली बात, they are extensive. Extensive होना चाहिए किसको? Source region को. बड़ा area होना चाहिए. Football की ढेर सारी field मिला दो ना, extensive होना चाहिए. Should be flat. They should be relatively homogeneous. Should be relatively homogeneous. यहाँ पे homogeneous का ये मतलब है land या water एक जैसी surface होनी चाहिए. They should be extensive. They should be flat. They should be relatively homogeneous. They are locations of high pressure. They are locations of high pressure. इसका क्या मतलब है? They are locations of high pressure. तो यहाँ पे आपको indirectly ये बता रहा है, they are the regions having atmospheric stability. तो atmospheric stability region. याद आ रहा है stability instability का concept? Low pressure होगा वहाँ पे instability, high pressure होगा वहाँ पे stability. तो atmospheric stability regions. मतलब वही चीज है कि यहाँ पे लैंड है, मान लो ये लैंड है तो ये पूरा लैंड ही होना चाहिए. यहाँ पे एयर मास डेवलप होगा एक तरीके का. फिर यहाँ पे अगर सी है, ये सी है तो यहाँ पे एक तरीके का होगा एयर मास. लो प्रेशर की अगर बात करी जाए, ये यहाँ पे हाई प्रेशर इसलिए मैंने रखा है क्योंकि दोस्तों अगर लो प्रेशर होगा ना, तो लो प्रेशर में आप लोग जानते हो कि वहां हवा राइज करेगी. लो प्रेशर में हवा राइज करेगी और यहाँ पे फिर मिक्सिंग होने लग जाएगी ना, मिक्सिंग होने लग जाएगी. तो फिर सोर्स रीजन फिर काहे का? क्योंकि अगर मिक्सिंग होने लग जाएगी तो इंस्टेबिलिटी हो गई ना, तो एक तरह की कोई प्रॉपर्टी डेवलप ही नहीं हो पाएगी उस एयर मास में. इसलिए हम लोग लो प्रेशर को कंसिडर नहीं करते हैं. दे आर दी लोकेशन ऑफ हाई प्रेशर मीन्स एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी रीजन. लिख लिया इतना सबने? डन. Now next is air masses can be classified on the basis of source region. On the basis of source regions. तो कैसे classify करते हैं? नहीं लीना, इसको ऐसे ऐसे नहीं करेंगे. हाई प्रेशर में जो सिंकिंग ऑफ एयर है वहां पे मिक्सिंग, यस बिल्कुल मिक्सिंग होती है, लेकिन वहीं पे वो चीज है ना कि वहां पे स्टेबिलिटी के मामले में हम लोग हाई प्रेशर कह रहे हैं. ये हमने आपको इन जनरल समझाने के लिए बोला है कि अगर लो प्रेशर होगा तो वहां हवाएं ऊपर जाएंगी और मिक्सिंग होगी. मिक्सिंग तो यस वहां पे भी होगी. अच्छा, जो फ्रंट बनते हैं वो भी तो अगर देखा जाए तो मिक्सिंग की वजह से ही तो बनते हैं. एयर मासेस में जो फ्रंट्स बनते हैं, तो ये हमने आप लोग को हाँ मतलब समझाने के लिए बताया है कि लो प्रेशर रीजन्स जहाँ पे होंगे वहां पे टर्बुलेंस ज्यादा होगा. ऐसे ये शब्द अच्छा है, टर्बुलेंस. तो टर्बुलेंस की कंडीशन ज्यादा रहेगी. तो ये चीज है. हाँ, तो एयर मासेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स रीजन. तो सोर्स रीजन के हिसाब से हम लोग इसको कैसे बांटेंगे, इसको आराम से समझिएगा. सोर्स रीजन, लैटिट्यूड, नेचर ऑफ सरफेस. एयर मास कि अगर बात करी जाए लैटिट्यूड वाइज कौन कौन से जगह पे बन सकते हैं,
आर्कटिक एयर मास, पोलर एयर मास, फिर ट्रॉपिकल एयर मास, फिर इक्वेटोरियल एयर मास, फिर एंटार्कटिक एयर मास। तो अगर देखा जाए तो हर लैटिट्यूड में बन सकते हैं, लेकिन क्या सब हम लोग को ध्यान में रखने हैं, क्या सब बेस्ट डेवलप होते हैं? नहीं, अभी हम उस पर बताएंगे। अभी लैटिट्यूड वाइज देखा जाए तो आर्कटिक पे, पोलार पे, ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल, एंटार्कटिक सब जगह हो सकते हैं। नेचर ऑफ सरफेस की अगर बात करी जाए सो इट में भी कॉन्टिनेंटल लैंड पे बन सकते हैं, इट में भी मैरीटाइम पानी पे बन सकते हैं। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्लासिफिकेशन, इसका नाम जो शॉर्ट में इस्तेमाल किया जाता है ये भी साथ में लिख लीजिएगा यहीं पे। आर्कटिक एयर मास इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, पोलार एयर मास इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी, ट्रॉपिकल एयर मास टी आर, इक्वेटोरियल एयर मास ई, एंटार्कटिक एयर मास इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल ए, कॉन्टिनेंटल एयर मास इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी, मैरीटाइम स्मॉल एम। तो एक चीज आप लोग को समझ में आती है क्या, कि जो हम लोग ने लैटिट्यूड जैसे लिखा है, आर्कटिक एयर मास, पोलार एयर मास, ट्रॉपिकल एयर मास, इक्वेटोरियल एयर मास, एंटार्कटिक एयर मास, इधर लिखा है कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम, एक चीज समझो, जैसे आर्कटिक एयर मास है तो लैंड पे भी हो सकता है, पानी पे भी हो सकता है ना, तो कॉन्टिनेंट पे भी हो सकता है, मैरीटाइम पे भी हो सकता है, पोलार भी कॉन्टिनेंट पे भी हो सकता है, पानी पे भी हो सकता है, ट्रॉपिकल लैंड पे भी हो सकता है, पानी पे भी हो सकता है, इक्वेटोरियल लैंड पे भी हो सकता है, पानी पे भी हो सकता है, एंटार्कटिक लैंड पे भी हो सकता है, पानी पे भी हो सकता है, मींस ऐसे कॉम्बिनेशन है, राइट? इतने तरीके के कॉम्बिनेशन बैठते हैं एयर मासेस के बनने के, इतने तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं। इतना हो जाए तो बताइए, मतलब ये कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 1 2 3 4 5 5 ये है, 2 ये है, 5 2 10 10 एयर मासेस, 10 एयर मासेस बनने की संभावना है अगर देखा जाए थ्योरी वाइज, थ्योरी वाइज अगर देखा जाए ये बनने की संभावना है। तो इसके बाद जरा लिखिए बात, हाइपोथेटिकली वी कैन हैव 10 एयर मासेस, बट फॉलोइंग एयर मासेस आइदर डोंट डेवलप either don't develop or they do not exist or they do not exist. Pehla, equatorial air mass ये E जो है ये exist ही नहीं करता है, equatorial air mass जैसी कोई चीज ही नहीं है, low pressure region है, इंस्टेबल रीजन है, इंस्टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आर्कटिक मैरीटाइम AM एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, फ्रोजन है, जमा हुआ। ऑन द वेरी सिमिलर फैशन एंटार्कटिक मैरीटाइम ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है, फ्रोजन है, जमा हुआ है। फिर ट्रॉपिकल एयर मास दे आर जनरली वीक बिकॉज दे हैव लो प्रेशर ऑन लैंड, दे हैव लो
pressure on land because they have low pressure on land. यहाँ पे भी sunlight अच्छी खासी आती रहती है tropical region में, low pressure रहता है land पे. तो दोस्तों सबसे best कौन से air masses हैं? Hence best developed air masses are, ये पूरे world में हम बात कर रहे हैं, polar air mass, कौन सा, CP and tropical maritime, ये है आपका MT, CP and MT, polar air mass, CP and MT. याद आ रहा है वो जो मैंने आप लोग को जब लैंड एंड वाटर डिफरेंशियल में जो प्रेशर होता है डेवलप हो पढ़ाया था, तो बताया नहीं था हाई प्रेशर ऑन कनाडा एंड साइबेरिया. तो ये उससे कनेक्ट कर लो, वहां पे एयर मासेस डेवलप होते हैं, अजोर्स हवाईयन ये सब बताया था, अजोर्स हवाईयन एसेट्रा, ये सब आप कर सकते हो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एयर मासेस मॉडिफिकेशन. इंपॉर्टेंट टॉपिक है एयर मासेस, खुद से पढ़ोगे तो थोड़ा भटक सकते हो. हाँ लिख लीजिए, खुद से पढ़ोगे थोड़ा भटक सकते हो, खासकर आप जो पढ़ाने जा रहे हैं. एक बार नोट्स देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा. एक बार नोट्स देखना, सब कुछ समझ में आएगा आराम से. ठीक है, अब हम पढ़ाएंगे आपको एयर मासेस मॉडिफिकेशन. ये मॉडिफाई भी होते हैं, ठीक है, ये मॉडिफाई भी होते हैं. कैसे मॉडिफाई होते हैं अभी हम बताते हैं. हो जाए कल्पना तो बताइएगा, अब इनका मॉडिफिकेशन मजा आएगी. मॉडिफिकेशन एयर मासेस मॉडिफिकेशन, एयर मासेस मॉडिफिकेशन. सो मॉडिफिकेशन की अगर बात करी जाए तो रीजंस क्या है, रीजंस क्या है मॉडिफिकेशन के? दो रीजन है. पहला क्या है कि जो एयर मास है वो सरफेस पे मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल विंड या प्लेनेटरी विंड हो सकता है, जिसकी वजह से सरफेस टर्बुलेंस हो जाए और उसमें कुछ बदलाव आ जाए, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाए हवा के दबाव में आके. दूसरा ये है कि जो जिस सरफेस पे एयर मास है वो सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाए, मतलब पहले गर्म था अब वो ऐसे जगह चला गया जहां पे सरफेस ठंडा है, तो भाई उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. क्वाइट सिंपल, जैसे जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है, तो धीरे 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 उसमें बदलाव आते हैं ना. एक तो अभी बना है, अभी हमने जो आप लोग को पढ़ाया है वो तो बना है ना, अभी ये तो अब चलना सीखेगा. अभी तो हम बनाए हैं, गुड सोर्स रीजन आपको बताए और पढ़ाया, तो अभी बच्चा जस्ट हुआ है. अब जब ये चलने लगेगा तो उसमें बदलाव आएंगे, सोसाइटी में आता है, फैमिली में आता है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, अलग अलग ग्रुप्स ज्वाइन करता है, उसमें बदलाव आते हैं, उसकी थिंकिंग बदलती है, मॉडिफिकेशन. तो यहाँ पे जो एयर मासेस में मॉडिफिकेशन होता है दो तरीके से होता है. एक है आपका उसको विंड मॉडिफाई कर दें अपने हिसाब से, दूसरा है कि जो सरफेस पे वो बह रहा है चल रहा है वो सरफेस में चेंज आ जाए. ठीक है, तो ये दो बातें पहले लिख लीजिए. इट स्टार्ट्स मूविंग ऑन सरफेस
it starts moving on surface under the influence of local wind. Under the influence of local wind or planetary wind and surface turbulence modify it, and surface turbulence modify it. दूसरा कारण, जैसे मैंने बताया, एयर मासेस मूव इनटू न्यू लोकेशन, एंड गेट्स, ये शब्द अच्छा है, यही आपको पढ़ना है, थर्मोडायनेमिकली मॉडिफाइड, यही आपके सिलेबस में, ऊपर वाला नहीं है, थर्मोडायनेमिक मॉडिफिकेशन ऑफ एयर मासेस. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, पहले ए सरफेस थी, यहाँ पे एयर मास था हमारा, इसकी प्रॉपर्टी एक्स थी, अभी ऐसी सरफेस पे चला गया है बी, अब यहाँ पे ये एक्स प्रॉपर्टी थोड़े ना रहेगी, अब ये बी, क्योंकि यहाँ सरफेस चेंज हो गई ना, तो अब ये चेंज हो जाएगी, एक्स प्रॉपर्टी हो जाएगी वाई प्रॉपर्टी में. अब यहाँ पे जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी इस एयर मास की, ये चेंज हो गई, मॉडिफाई हो गई है, डिफरेंट टेम्परेचर है ये, डिफरेंट प्रेशर है, डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट है, तो ये सब उसी के अकॉर्डिंगली एयर मास भी बदल जाएगा. इतना लिख लो तो बताओ, अब जो हम बात पढ़ाने जा रहे हैं उसको बहुत आराम से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अब जो बात बताने जा रहे हैं. हमने आपको क्या बताया अभी जस्ट? हमने बताया कि हम एयर मासेस की प्रॉपर्टीज में बदलाव करने जा रहे हैं, उनमें चेंज आएगा. हम लोग को कौन सा पढ़ना है? थर्मोडायनेमिक मॉडिफिकेशन इन दी एयर मासेस, ये पढ़ना है. तो अब हम ये पढ़ाने जा रहे हैं. तो पहली बात, इफ एन एयर मास मूव, लिखो इसको, इफ एन एयर मास मूव्स ओवर अ कूलर सरफेस, मूव्स ओवर अ कूलर सरफेस, इट गेट्स कूलर, it gets cooler and the lower layers get stable. Such air masses are denoted as, WS. बहुत आसान है. क्या मतलब है कहने का? मान लो ये हमारा सीपी एयर मास, सरफेस है ए, यहाँ पे इस एयर मास का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इस एयर मास का नहीं, इस सरफेस का बोलेंगे, ज्यादा बेटर है, अच्छे समझ लेंगे. ये है सरफेस ए, इसका टेम्परेचर है यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड. फिर ये ऐसे जगह पे मूव कर गया, सीपी हमारा ये ऐसे जगह पे मूव कर गया जहां पे जो सरफेस है उसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड. तो भाई जाहिर सी बात है, ठंडा हो जाएगा सीपी, जो हमारा एयर मास है वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इसकी सतह ठंडी हो गई है और जो लोअर लेयर्स है स्टेबलाइज हो जाएंगे, ठंडी होने के कारण स्टेबलाइज हो जाएंगे. तो इसलिए अब सीपी को हम सीपी ना लिख के इसको मॉडिफाई कर देंगे, इसको लिख देंगे डब्ल्यू एस. ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, ये चीज हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे. तो डिनोट जो कर रहे हैं उसको ध्यान रखना. डब्ल्यू एस का क्या मतलब है? जो हमारा एयर मास है वो स्टेबल हो गया है, जो हमारा एयर मास है वो स्टेबल हो गया है, डब्ल्यू एस मतलब स्टेबल हो गया है, और कैसी सरफेस पे गया है? जहां पे प्रीवियस से कम टेम्परेचर था, क्योंकि यहाँ पे 30 था, अब यहाँ पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो ठंडा हो गया, स्टेबल हो गया, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू एस. दूसरी चीज क्या हो सकती है? इफ द एयर मास
moves over a warmer surface. It becomes warm. And unstable. Cool hoga to stable, warm hoga to unstable. It is denoted by KU. U matlab unstable. KU. Matlab kya hai? सरफेस थी ए, टेम्परेचर था इस पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड. यहां है मेरा एयर मास सी पी, ये है मेरी सरफेस बी, यहां टेम्परेचर कितना है मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड. अब मैं सी पी, यही एयर मास जब इधर मूव करता है तो मैं इसको सी पी नहीं बोलूंगा, अब इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा के यू से. के यू पहले क्या था, ठंडा था, अब गर्म हो गया है. एक्चुअली के जो है, के एक जर्मन वर्ड है कार्ट, उसको रिप्रेजेंट करता है. कार्ट मतलब होता है कोल्ड. तो इनिशियली कोल्ड था अब वो गर्म हो गया है. के यू, यू मतलब अनस्टेबल हो गया है. तो के यू ध्यान रखिए, डब्ल्यू एस ध्यान रखिए. के यू ध्यान रखिए, डब्ल्यू एस ध्यान रखिए. WS में क्या होगा, इनिशियली गर्म था फिर ठंडा हो गया, इनिशियली वार्म था फिर ठंडा हो गया, ठंडा होने के कारण स्टेबल हो गया. इसमें देखिए दूसरे वाले केस में, इनिशियली ठंडा था फिर गर्म हो गया, इनिशियली ठंडा था फिर गर्म हो गया, गर्म हो गया तो अनस्टेबल हो गया. हम समझ रहे हैं, थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत आती है लेकिन नोट्स आप रिवाइज करोगे तो आपको आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा है नहीं, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है. अगर आपने खुद से कभी ये चीज पढ़ी हो तो उसमें दिक्कत आती है, लेकिन हम स्टिल तब भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझा सकें. ये चीज आपको पढ़नी है, मॉडिफिकेशन, थर्मोडाइनमिक जो इसमें मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं एयर मासेस में, ये है, हम लोग को पढ़ना ही है. अब इसके एग्जाम्पल देखो, बड़े इंटरेस्टिंग है. अगर आपको डब्ल्यू एस और के यू थोड़ा बहुत समझ में आया है, जो आई थिंक अब और समझ में आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल पे ध्यान देना दोस्तों. लिख लिया सबने? अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, क्या के साथ हमेशा यू आएगा, डब्ल्यू के साथ हमेशा एस आएगा, ये रूल है, थंब रूल याद रखो बस. एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखिए, व्हेन सी ए कॉन्टिनेंटल आर्कटिक एयर मास, कॉन्टिनेंटल आर्कटिक एयर मास मूव्स ओवर नॉर्वेजियन सी. अब देखो क्या होगा, कॉन्टिनेंटल एयर मास सी ए मूव्स ओवर नॉर्वेजियन सी. तो मतलब ये कुछ, ये ग्रीनलैंड वगैरह हो गया, फिर यूरोप, ये यूरोप हो गया, ये नॉर्वेजियन सी है इधर, ठीक है, नॉर्वेजियन सी. तो यहां है हमारा सी ए कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, ये मूव कर रहा है नॉर्वेजियन सी की तरफ, नॉर्वेजियन सी की तरफ. तो अब ये सी ए ना होके क्या हो जाएगा, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ. आर्कटिक से ये था सी ए, अब ये नॉर्वेजियन सी की तरफ आ गया, नॉर्वेजियन सी की तरफ. अब ये सी ए ना होके क्या हो जाएगा, आप लोग को क्या लगता है? इनिशियल ठंडा था, अब गर्म हो जाएगा. सुनो, सी ए इनिशियल ठंडा था, हाँ अब ये गर्म हो जाएगा, मींस अनस्टेबल हो जाएगा, और यू के साथ हमेशा के यू. सबको ये चीज समझ में आई? बिकॉज नॉर्वेजियंस इज वार्मर देन ना, इट इज वार्मर देन आर्कटिक, रिलेटिव बात कर रहे हैं, रिलेटिव वार्मर देन आर्कटिक.
इट इज वार्मर देन आर्कटिक, पानी है ना, इट इज वार्मर देन आर्कटिक। तो दोस्तों जैसे ये इसके ऊपर आएगा पानी के ऊपर और ये ठंडा था, अब ये थोड़ा वार्म इस पे आ गया, तो आपको नहीं लगता यहाँ अनस्टेबिलिटी आएगी, थोड़ा इवेपोरेशन, थोड़ी कंडेंसेशन यहाँ पे नीचे पार्ट्स में होने लग जाएगा, इवेपोरेशन और फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कंडेंसेशन, क्योंकि ठंडा है, क्योंकि जो एयर मास है वो ठंडा है ना, तो यहाँ पे जो इवेपोरेशन होगा लोअर हाइट पे ही कंडेंस होने लग जाएगा। इट रिजल्ट इन वर्टिकल ट्रेल्स ऑफ, अभी हम पिक दिखाते हैं, मजा आ जाएगी। इट रिजल्ट इन वर्टिकल ट्रेल्स ऑफ कंडेंसेशन, वर्टिकल ट्रेल्स ऑफ कंडेंसेशन विच इज नोन एज स्मोक, इसको बोलते हैं स्मोक। तो नॉर्वेजियन स्मोक बहुत फेमस फिनोमिना है और इसी को आर्कटिक स्मोक भी बोलते हैं, नॉर्वेजियन स्मोक भी बोलते हैं, आर्कटिक स्मोक। इट्स अ टाइप ऑफ फॉग, तो रुकावट पैदा करता है नेविगेशन में। और माना यह जाता है जो टाइटैनिक डूबी थी इसी के कारण डूबी थी, टाइटैनिक जो सिंक हुई थी इसी के कारण हुई थी, धुंध जो छाया नहीं हुआ था, धुंध। सो आर्कटिक स्मोक के कारण ही टाइटैनिक डूबी थी, दिख नहीं पाया वो पर्टिकुलर जो ग्लेशियर था कि कितना क्या बड़ा है, और उसको उसको माप नहीं पाए थे वो लोग। सो बस गिव मी 20-30 सेकेंड्स, गूगल पे हम आपको दिखाते हैं। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, ओके, आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। ये देखिए लोअर पार्ट्स में, देख रहे हो लोअर पार्ट्स में कैसे हो रखा है यहाँ पे मामला, अरे यार ये सही फोटो नहीं आएगी क्या, चलो इसी में देखो। ये आप देखोगे तो बड़ा सा एयर मास उसके नीचे पार्ट में, उसके नीचे पार्ट में जो है आपका ये ट्रेल्स ऑफ कंडेंसेशन, याद आ रहा है मैंने लिखा है ट्रेल्स ऑफ कंडेंसेशन। ये देखिए ऊपर जाके ठंडा होने लगता है, ऊपर जाके ठंडा होने लगता है, ट्रेल्स ऑफ कंडेंसेशन, ये चीज है। चलिए आई थिंक ध्यान रहेगा आपको, चलो बैक टू नोट्स। So, एक ये एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। यहां पे अगर बात करी जाए, सो विंटर के टाइम पे जो कनाडा है यहाँ पे कॉन्टिनेंटल आर्कटिक वाला जो, सॉरी कॉन्टिनेंटल पुलार सीपी, कॉन्टिनेंटल पुलार एयर मास डेवलप हुआ, ये दोस्तों मूव कर जाता है यहाँ पे, आपने पढ़ा होगा सुना होगा ग्रेट लेक्स है यहाँ पे, इसकी तरफ मूव कर जाता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। तो ये यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल पुलार एयर मास है ये मूव कर जाता है ग्रेट लेक की तरफ। तो इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन बनाना चाहूँ तो ये कनाडा वाला प्लेन हो गया, फिर ये ग्रेट लेक्स हो गए, फिर ये ग्रेट लेक्स के आगे अगर आप लोग यहाँ पे जानते होगे अगर, तो यहाँ पे अपलाशियन है, अपलाशियन माउंटेन्स है, अपलाशियन माउंटेन्स। तो क्रॉस सेक्शन में बनाने की कोशिश करता हूँ, सीपी, इट इज वेरी 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 कोल्ड एयर मास,
ये है आपका ग्रेट लेक्स, दोस्तों आप लोग एक बात बताओ, ये सीपी जब यहां पे आ जाएगा, ये नाम बताओ क्या हो जाएगा, मैं क्या नाम लिखूं यहाँ पे जो स्मॉलर वाटर बॉडी है, ये क्या लिखूं मैं यहाँ पे इसके नीचे, सीपी मॉडिफिकेट मॉडिफाई होके क्या हो जाएगा, बिल्कुल के यू अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जहां पे आ रहा है इट इज वार्मर देन दी सी, इट इज वार्मर देन दी, ये कैनेडियन प्लेन्स वार्मर है, ग्रेट लेक्स, तो के यू, यस गुड, के यू सीपी के यू हो जाएगा, सीपी के यू हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये अप्लाशियन मिल गए इसको, और जब अप्लाशियन मिल गए तो ये जो एयर मास है ये अपलिफ्ट हो जाएगा ना, ये जो एयर मास है यहाँ पे अभी अपलिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये यूं जा रहा था, ये सीधे सीधे जा रहा था, लेकिन अनस्टेबल हो गया, मॉइस्चर आ गया, अनस्टेबल हो गया, अब ये अप्लाशियन आ गया तो ये यूं इसके ऊपर जाने लग जाएगा, और जब ऊपर जाने लग जाएगा ये एयर मास, तो दोस्तों क्या होने लग जाएगा यहाँ पे, बारिश, लेकिन यहाँ बारिश नहीं होती, इतना ठंडा है कि ये कराता है स्नोफॉल, ये बात है, प्रेसिपिटेशन होगा लेकिन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, इतना ठंडा एयर मास है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ चीजें लिख लेते हैं, सबको समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है, विंटर के टाइम पे कनाडा में इट इज वेरी वेरी कोल्ड, वेरी 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 कोल्ड, कैनेडियन हाई प्रेशर, कैनेडियन हाई प्रेशर, तो देखो हाई प्रेशर कंडीशन आ गई, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की कंडीशन आ गई, एयर मास बना कनाडा के प्लेन्स में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइजिंग एयर मास अलोंग द स्लोप ऑफ अप्लाशियन, अलोंग द स्लोप्स ऑफ अप्लाशियन, रिजल्ट्स इन वेरी हैवी स्नोफॉल, रिजल्ट्स इन वेरी हैवी स्नोफॉल, दिस इज नोन एज लेक इफेक्ट, दिस होल फिनोमेना इज नोन एज लेक इफेक्ट, लेक की वजह से ये स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे, अगर ये लेक ना होता स्नोफॉल ना होती, दिस इज नोन एज लेक इफेक्ट। तो हमने क्या बताया आपको, आर्कटिक स्मोक पढ़ाया, लेक इफेक्ट पढ़ाया, तो दो एग्जाम्पल हो गए। अब तीसरी बात, तीसरी बात लिख लिया सबने, लिख लिए लिख लिए, तीसरी बात, व्हेन एयर मास इंटरैक्ट्स, व्हेन एयर मासेस इंटरैक्ट्स, फ्रंट्स आर फॉर्म्ड, फ्रंट्स आर क्रिएटेड, फ्रंट्स आर क्रिएटेड, एक्सक्यूज मी एक मिनट,
तो यहां पे क्या है, दो एयर मासेस इंटरैक्ट करेंगे, क्या बनेगा, फ्रंट बनेगा। दो एयर मासेस जब इंटरैक्ट करते हैं तो क्या बनता है, फ्रंट बनता है, जिसकी वजह से अलग अलग वेदर फिनोमेना इससे एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना, एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ फ्रंट्स। अब हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रंट। अब इसको बहुत ध्यान से आराम से सुनिएगा, इसको हम क्या करते हैं कल पढ़ाएंगे, टाइमिंग जो रहेगी हम आपको दे देंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा लेक्चर जाएगा, एक बार हम कोशिश करेंगे फ्रंट खत्म करने की। तो ठीक है, जितना पढ़ाया उसको रिवाइज करिएगा, नहीं तो चीजें भूलने लग जाओगे, समझ में नहीं आएगा। और कोई दिक्कत है तो ग्रुप पे आप लोग हमेशा पूछ सकते हो। रिकॉर्डिंग को हम क्या करेंगे ना यार, बड़ा मामला फंसा हुआ है, रिकॉर्डिंग को क्या करेंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे हम, मेरे पास स्पेस नहीं ड्राइव में है, और हमें पुरानी रिकॉर्डिंग्स बार बार डिलीट करनी पड़ रही है, इसलिए आज वैसे एक नया अकाउंट खुला लिया है, देखते हैं गूगल उसका पेमेंट एक्सेप्ट करता है कि नहीं। तो YouTube पे अपलोड कर देंगे, वहां पे आप लोग देख लीजिएगा। तो कुछ दिन अभी ऐसे ही चला लो मामला आप लोग, बाकी जल्दी हम याला सिस्टम थोड़ा स्पेस का कर लेंगे। ठीक है, चलो चला जाए, और फ्रंट्स पे आप लोग को हम लेक्चर देंगे, फिर हम साइक्लोन्स भी इसी में ले लेंगे साथ में, टेम्परेट साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन दोनों पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।